गेती साम, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की वीडियो ना जिन लोगों की एक्ने प्रोन स्किन है ना उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, बिकॉज आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक एंटी एक्ने किट। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल गाइस, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट रोलिंग। कि मेरे को ना अलग अलग ब्रांड्स ट्राई करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, द रीजन बीइंग कि उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ कि अगर कोई प्रोडक्ट मेरे लिए वर्क कर रहा है, मुझे अच्छा लगा है, तो आई लाइक शेयरिंग इट विद माय केपी फैम, ताकि आप लोगों को भी पता लग पाए कि कोई अगर ब्रांड है आपको उसके बारे में नहीं पता तो वो किस तरीके से वर्क करता है और उसके प्रोडक्ट्स कैसे है। सो रिसेंटली ना आई केम अक्रॉस दिस ब्रांड नोन एज अनस्पॉइल्ड। लाइक द रीजन विच अट्रैक्टेड मी द मोस्ट टुवर्ड देयर ब्रांड वॉज कि वो क्रिएटेड है बाय डर्मेटोलॉजिस्ट। उनके जितने भी प्रोडक्ट्स है ना वो डर्मेटोलॉजिस्ट उनको क्रिएट करते हैं, विच बेसिकली मीन्स ऑब्वियसली अगर डर्मेटोलॉजिस्ट किसी प्रोडक्ट को क्रिएट कर रहे हैं दे नो कि उसके अंदर जो एक्टिव्स वो डाल रहे हैं वो किसी की स्किन पे किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, क्या इफेक्ट आएगा उसकी स्किन पे। तो ये चीज मुझे लगी कि हाँ उनके प्रोडक्ट सेफ हो सकते हैं बिकॉज डर्मेटोलॉजिस्ट को इन चीजों के बारे में बेटर नॉलेज होता है, ठीक है। एट द सेम टाइम ना दे बिलीव इन अनकॉम्प्लिकेटिंग स्किन केयर कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज ना करना पड़े, मिनिमल से मिनिमल प्रोडक्ट्स में आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिल पाए। सो मैंने ना उनके प्रोडक्ट्स को चेकआउट किया एंड ओ माई गॉड दे वर प्रिटी अफोर्डेबल गाइज। लाइक पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है कि हर कोई इसको इजिली अफोर्ड कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा कॉस्टली है या बहुत ज्यादा ऐसा कुछ है, पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है तो आप उनको ऑब्वियसली ट्राई आउट कर सकते हो। एक्ने ना बेसिकली आपके दो रीजन की वजह से हो सकते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में हम ये लगा सकते हैं डस्ट की वजह से, डर्ट पॉल्यूशन, वेदर की वजह से पिंपल्स हो जाते हैं। इंटरनल तो इतने टन्स ऑफ रीजंस होते हैं ना कि हम लोगों को पता भी नहीं होता, कई लोगों को हेरिडिटरी होते हैं, देन कई लोगों को हार्मोनल चेंजेस, डाइट की वजह से, बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट योर एक्ने राइट गाइस। अगर आप अच्छे से ट्रीट नहीं करोगे ना तो ये आपके एक परमानेंट प्रॉब्लम बन सकते हैं। अगर आप अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो, अपने पिंपल्स पॉप कर रहे हो तो वो आपके ऊपर मार्क्स छोड़ सकते हैं, पिगमेंटेशन छोड़ सकते हैं। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक अच्छा एएम रूटीन एंड पीएम रूटीन फॉलो करो ताकि आपके पिंपल्स और एक्ने जो है वो ट्रीट हो पाए। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एएम रूटीन जो आप अपने डे टाइम में फॉलो कर सकते हो। हमेशा स्किन केयर स्टार्ट करने से पहले जो फर्स्ट स्टेप आता है ना इज क्लीनिंग योर फेस। यूज एनी माइल्ड फेस वॉश और क्लेंजर जो भी आप यूज करते हो अपने फेस को क्लीन करने के लिए। देन आई एम यूजिंग दिस 8% नाइसिनामाइड एंड 2% एज़ोलेइक एसिड सीरम जिसमें आपको 30 ml की क्वांटिटी मिल जाती है। आई पर्सनली लव नाइसिनामाइड, द रीजन बीइंग ना कि आपके एक्ने और स्कार्स को रिड्यूस करने में बहुत हद तक हेल्प करता है। तो आपको बेसिकली ना इसकी 2-3 ड्रॉप्स लेकर अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लेने होते हैं ऑन अ क्लीन फेस। ये ना आपके एक्ने, ब्रेकआउट, पिंपल, पोर्स को रिड्यूस करता है। एट द सेम टाइम जिन लोगों को फेस पर रेडनेस की प्रॉब्लम होती है ना उसको भी ये बहुत हद तक रिड्यूस कर देता है बिकॉज इट इनहिबिट्स एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया। एंड अगर आपको हाइपरपिगमेंटेशन और मार्क्स की भी प्रॉब्लम होती है ना उसको भी ये रिड्यूस कर देता है। आप चाहो ना तो आप इसको ट्वाइस अ डे यूज कर सकते हो, मॉर्निंग में भी कर सकते हो, इवनिंग में भी कर सकते हो। बट गाइस आई विल रिकमेंड बिफोर ट्राइंग आउट एनी न्यू प्रोडक्ट आप ना पैच टेस्ट जरूर कर लिया करो बिकॉज कई बार ना कुछ एक्टर्स कई लोगों की स्किन पे सूट नहीं करते हैं। ऑल्सो वन थिंग आई लाइक अबाउट दिस पर्टिकुलर सीरम इज कि ना फ्रेग्रेंस फ्री है, तो जिन लोगों को थोड़ा फ्रेग्रेंस का इशू होता है ना उनको बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। एट द सेम टाइम दिस इज सल्फेट एंड पैराबेन फ्री। ये लगाने के बाद ना यू हैव टू मेक श्योर यू आर अप्लाइंग अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन। गाइस कभी भी आप कोई भी ऐसे प्रोडक्ट यूज कर रहे हो ना जिनके अंदर कोई एक्टिव्स होते हैं उसके बाद एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन यूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ऑलवेज मेक श्योर अगर ऑफिस के आप डे टाइम में यूज कर रहे हो यू हैव टू अप्लाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन। इवनिंग में मे भी आप स्किप कर सकते हो बट डे टाइम में आपको जरूर जरूर लगाना, वरना बाद में मुझे आके मत बोलना कि हमने सनस्क्रीन नहीं लगाया हमारी स्किन पे ऐसे हो गया। ये तो बात हो गई एएम वाले रूटीन की, अब बात करते हैं पीएम रूटीन की कि आप राइट टाइम में अपना किस तरीके से स्किन केयर कर सकते हो। ऑब्वियसली हमें पता है वी हैव टू क्लीन आवर फेस फर्स्ट बिकॉज हम बाहर से आते हैं, कई लोग जॉब्स पे जाते हैं या कहीं भी बाहर से घर आ रहे हैं, ऑब्वियसली बाहर डस्ट डर्ट होता है तो हमारा फेस गंदा हो जाता है। वी हैव टू मेक श्योर बिफोर डूइंग आवर स्किन केयर हम अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। अगर हमने मेकअप लगाया हुआ है तो हम मेकअप को अच्छे से रिमूव कर रहे हैं, डबल क्लेंस कर रहे हैं, या फिर नॉर्मली भी अगर हम वैसे भी घर आ रहे हैं तो वी हैव टू वॉश आवर फेस। एंड नॉर्मल पानी से आपको वॉश नहीं करना, यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक क्लेंजर या फिर एक माइल्ड फेस वॉश यूज कर रहे हो। देन आई एम गोइंग टू यूज दिस 7% AHA एक्सफोलिएटिंग जेल।
तो ये वाला जो पर्टिकुलर एक्सफोलिएटिंग जेल है ना, इसके अंदर है ग्लाइकोलिक एसिड जो आपके कोलाजन को बूस्ट करता है एंड डेड स्किन सेल्स को रिमूव कर देता है। एट द सेम टाइम इसके अंदर लैक्टिक एसिड भी है जो आपके फेस पे एक बूस्ट दे देता है ऑफ हाइड्रेशन। सो इट कम्स इन दिस पंप फॉर्म एंड एडिकेट अमाउंट लेकर आपको अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लेना है, ठीक है। इसको लगाने के बाद ना आपको इसको अपनी स्किन के ऊपर छोड़ देना है, पानी से रिंस आपको नहीं करना है। ये आपके सन डैमेज को रिपेयर करता है, आपके जितने भी साइंस ऑफ एजिंग होते हैं ना जैसे कि फाइन लाइंस, डार्क स्पॉट्स, इनको भी बहुत हद तक रिड्यूस कर देता है। यू गाइज कैन यूज दिस 3 times a week एंड ऑल्सो इट इज सेफ टू यूज क्योंकि ना ये टेस्टेड ऑन पीपल विद एक्ने प्रोन स्किन एंड यू जस्ट नीड टू फॉलो इट अप विद अ गुड मॉइस्चराइजर। लाइक यू विल लिटरली फील, अगर आप इसका डेली बेसिस पे यू नो यूसेज करते हो ना, आपका स्किन का जो नेचुरल ग्लो आता है ना वो बाहर आ जाता है। तो एक्सफोलिएटिंग जेल जो होते हैं ना या फिर सीरम्स होते हैं उनको बाद में वॉश करना पड़ता है 10-15 मिनट के बाद, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, यू कैन लीव इट ऑन। अगेन दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो फ्रेग्रेंस, सल्फेट एंड पैराबेन फ्री एंड पैचलेस का तो मैं आपको बता चुकी हूँ। बिफोर ट्राइंग आउट एनी न्यू प्रोडक्ट जस्ट मेक श्योर आप पैचलेस कर रहे हो। लास्ट अप आई एम यूजिंग दिस 0.5% एजेलेक एंड 0.5% सैलिसिलिक फेस शीट मास्क। सो आपको सिर्फ यू नो इसको अच्छे से अनफोल्ड करके अपने पूरे फेस पर लगा लेना है, क्लीन फेस पर, एंड इसको 15-20 मिनट्स तक आपको रहने देना है। बिकॉज इट हैज एजेलेक इन इट आपके एक्ने और पिंपल्स को कम करेगा एंड सैलिसिलिक एसिड जो है वो आपके क्लॉग पोर्स को रिमूव करता है एंड एक्सेस सीबम प्रोडक्शन को भी रिड्यूस कर देता है। 15-20 मिनट्स इसको अपने फेस पर रहने देने के बाद आपको इसको रिमूव कर देना है एंड जितना भी आपका एक्सेस सीरम आपके फेस पर होगा उसको अच्छे से आप मसाजन कर लो एंड देन जस्ट वाइप इट ऑफ विद अ कॉटन पैड। ऑनेस्टली आई एम नॉट अ शीट मास्क पर्सन, बट आफ्टर यूजिंग दिस पर्टिकुलर शीट मास्क मैंने ये 2 बाय किए थे, एक मैं ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ इसलिए मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आई जस्ट डू नॉट लाइक यूजिंग शीट मास्क एट ऑल। द रीजन ना मैं कभी भी कोई भी शीट मास्क यूज करती हूँ ना मुझे एक आधा पिंपल या ब्रेकआउट हो जाता है, आई जस्ट डोंट नो व्हाई, बट ट्रस्ट मी आफ्टर यूजिंग दिस पर्टिकुलर शीट मास्क आई टोटली लव द रिजल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को कोई एक्ने पिंपल नहीं हुआ। लाइक इसको लगाने के बाद ना आपको इतने सूदिंग एंड कामिंग इफेक्ट मिलता है आपके फेस पे और जब आप इसको रिमूव भी करते हैं यू लिटरली फील कि आपकी स्किन एकदम हाइड्रेटेड लगती है, एकदम प्लम्प लगती है। एंड इसका अगर आप अच्छा खासा बाकी इसके प्रोडक्ट के साथ इसको फॉलो करोगे ना, लाइक लिटरली आपकी एक्ने, हाइपरपिगमेंटेशन, ब्रेकआउट, आपको जिन चीजों की प्रॉब्लम होती है ना वो आपकी बहुत हद तक रिड्यूस होने वाली है। एट द सेम टाइम इसके अंदर भी कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, उनको फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं लगती है, यू नीड टू हैव दिस। एंड या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर आपको ये प्रोडक्ट्स अच्छे लगे हैं, आपको इनको बाय करना है ना, तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करो एंड गेट योर प्रोडक्ट नाउ। एंड दैट्स इट, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इफ यू डू प्लीज नॉट फॉरगेट टू गिव अ लाइक, शेयर द फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।